हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फील्ड से एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। वो अपडेट आई है शिव ठाकरे को लेकर, क्योंकि दोस्तों शिव ठाकरे और प्रियंका की लड़ाई को लेकर शिव ठाकरे प्रियंका को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस वजह से ट्विटर में जमकर ट्वीट हो रहे हैं और हर जगह उनको कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो कोई गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या बोल दिया लड़ाई में शिव ठाकरे ने। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आप BMC10 के बड़े फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में इन दिनों प्रियंका सबकी दुश्मन बनी हुई है। वहीं शिव ठाकरे की मंडली से उनकी इकलौती लड़ाई होती है। तो दोस्तों, हम बता दें कि शिव ठाकरे से लड़ाई होती है प्रियंका की, और लड़ाई के दौरान शिव ठाकरे उनको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो जमकर ट्वीट होने लगा है। तो कुछ लोग दोस्तों, हम बता दें, लड़ाई में उन्होंने उनको सिग्नल वाली लड़की से खराब बोला उनको, या फिर दोस्तों हम बता दें तो वहीं उनके सपोर्ट में जो है शिव ठाकरे के फैन, वो बोलते हैं कि उन्हें नल वाली लड़की बोला क्योंकि जो चौल में लड़ाई करते हुए नजर आती है उन्होंने ऐसा बोला। वहीं जो उनके हेटर्स हैं वो बोल रहे कि उन्होंने उनको सिग्नल वाली लड़की बोला है। तो दोस्तों, आखिरकार उन्होंने बोला क्या है वो तो आपको पता चल ही जाएगा बिग बॉस के घर में, लेकिन शिव ठाकरे कैसा है, उन्होंने क्या बोला है, वहीं उनकी मंडली उनको सही बोल रही है। तो वहीं उनके जो हेटर्स हैं वो जमकर ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं कि शिव ठाकरे ने उनको सिग्नल वाली लड़की बोला है प्रियंका को। तो दोस्तों, हम बता दें कि जो लड़ाई के दौरान ऐसा हुआ है, ऐसे में शिव ठाकरे ने उनको चौल वाली लड़की कहा था, जो लड़ाइयां करती हैं चौल में लड़कियां, उनको ये बोला था। दरअसल उनके हेटर्स ने कुछ गलत ही सुन लिया, तो इस वजह से सभी जगह बवाल हो रहा है। तो दोस्तों, हम बता दें कि आपका क्या है कहना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या बोला होगा। तो हम आगे आपको बताते हैं कि वीडियो में इसकी हकीकत क्या है, तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा।